हिंदुस्तान में मुसलमान अपने जीवन को गुजार रहा है, हम उसी लॉ को अपने लिए जरूरी समझते हैं। अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं, आपको अगर सारे मुसलमानों से मोहब्बत है, प्यार है, आप अगर खुद को एक मुसलमान मानते हैं, तो इस वीडियो को 2 मिनट देखिए। मैं आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आज आपका एक वोट पूरे मुसलमान कम्युनिटी को जरूरत है। आपका एक वोट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आज जरूरत है। मुसलमानों की सुरक्षा के लिए, मुसलमानों की पर्सनल कानूनों की सुरक्षा के लिए आपका एक मेल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जरूरत है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 14 तारीख लास्ट डेट है। आज 11 तारीख है, बीच में सिर्फ 2 दिन है। आपने यूसीसी के बारे में सुना ही होगा। यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसको शॉर्ट में हिंदी में समझेंगे तो सबके लिए समान अधिकार। मैं शॉर्टकट आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करूंगा, बिकॉज हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि इस यूसीसी को लेके मुसलमान को क्या फर्क पड़ता है। हमें ये बहुत फर्क पड़ता है भाई। हम नहीं चाहते हमारे मुस्लिम धर्म में, हमारे मुस्लिम शरियती कानून में, हमारे मुसलमान पर्सनल लॉ में कोई दखल अंदाजी दे। हमारे मुसलमान के जो पर्सनल नियम कानून है, हम वही मान के चलेंगे। हम नहीं चाहते कोई मुसलमानों के बीच आके टांग अड़ाए। भारत में अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है, तो सभी धर्मों के जो पर्सनल लॉ है, कुछ हद तक सबका गला घटा जाएगा। खास करके मुसलमान तो हमेशा टारगेट पे ही रहता है। भारत में अगर यूसीसी का लागू हो जाता है, तो मुसलमानों के जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसका पावर डैमेज हो जाएगा, उसका पावर खत्म हो जाएगा। 3 तलाक, 4 शादी और प्रॉपर्टी के भागीदार, ये यूसीसी इसके ऊपर क्या कहता है, उसका बाद में हम डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों को मेल वाला, वोट वाला इम्पोर्टेंट बात को डिलीवर करता हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत के सभी मुसलमानों से अपील कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग इस यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को विरोध करते हुए हमें कम से कम 5 लाख मेल भेजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फेसबुक पेज से उन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूरे डिटेल में लिखा है, उसमें से मैं इम्पोर्टेंट 7-8 लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। समान नागरिक संहिता के बारे में अपना उत्तर विधि आयोग को प्रेषित करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील, नई दिल्ली, 26 जून 2023। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महासचिव मौलाना मोहम्मद फजल रहीम मुजहिदी साहेब ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा और इसे प्रभावित करने वाले किसी भी कानून को रोकना बोर्ड की मुख्य उद्देश्यों में से है। इसलिए बोर्ड अपनी स्थापना से ही समान नागरिक संहिता की विरोध करता रहा है। दुर्भाग्यवश सरकार और सरकारी संगठन इस मुद्दे को बार बार उठाते हैं। महासचिव ने कहा कि बोर्ड चाहता है कि हमें कम से कम 5 लाख आपत्तियां दर्ज की जाए। इसलिए मुस्लिम संगठनों और संस्थानों के साथ साथ व्यक्तियों और व्यक्तित्वों से पुरजोर अनुरोध किया जाता है कि वो पूरी सावधानी के साथ अपनी आपत्तियां दर्ज करें। इसकी एक प्रीति ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस ईमेल पते aimplbord@gmail.com पर प्रेषित करें। इसके साथ ही हम वतनी भाइयों द्वारा भी आपत्तियां दर्ज करने का प्रयास करें और विभिन्न चरणों में बोर्ड द्वारा की जाने वाली अपील का पालन करें। आप अभी मेल भेजिए। मेल में क्या लिखना है, उदाहरण स्वरूप मैं 2 लाइन आपको बता देता हूँ। आप आपके भाषा में लिख सकते हैं, आपका जो भाषा है, आपका जो लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, आसामीज, बंगाली, आपको जिस भाषा में लिखना आता है उसी भाषा में लिख के मेल भेजिए। आपको मेल में लिखना है, भारत में इस समय मैं यूसीसी का समर्थन नहीं करता, भारत में यूसीसी का लागू करना ये सही वक्त नहीं है, मैं यूसीसी का कठोर विरोध करता हूँ या यूसीसी का कठोर विरोध कर रहा हूँ। बस इतना बोल के आप अपना एड्रेस लिख दीजिए, आप कौन से स्टेट से हो, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है। स्क्रीन पे जो आप लोग जीमेल देख रहे हो, इस पे आपको मेल करना है, इस पे आपको मैसेज भेजना है। आज सारे मुसलमानों को एकजुट होने का मौका मिल रहा है। 5 लाख नहीं, पूरे 25 लाख मेल भेज दो। मुसलमानों का एकजुटता दिखाओ, मुसलमानों की सुरक्षा के लिए, मुसलमानों के पर्सनल कानून के सुरक्षा के लिए। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ाई कर सकते हैं, तो हमें एक मेल भेजने में क्या दिक्कत है। अगर आपको मेल भेजना नहीं आता, तो आसपास किसी भाई के हेल्प लेके आप मैसेज भेजो। मुसलमानों के पर्सनल कानून का सवाल है, कैसे भी करके मैसेज पहुंचाओ, मैसेज भेजो, मेल भेजो, और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सबको ये खबर जल्दी मिले। सबको ये खबर बहुत जल्दी ही मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वक्त सिर्फ 2 दिन है। वीडियो को शेयर कर दो भाई, मुसलमानों का एकजुटता दिखाओ। फॉलो बटन पे एक टैप करके पेज को फॉलो कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।